समाधि है। ये हमारे सिख समाज के गुरु थे जिन्होंने बहुत शानदार उपदेश दिए समाज के बारे में। फिर उन्होंने हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है द उन्नति के एक प्यारे से वीडियो में। तो गाइस रात के बज चुके पूरे 11 और गाइस मैंने रात में 11 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि रात को 11 बजे ना मैं अब जा रहा हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पर है ना एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आग पर नृत्य किया जाता है। तो आग पर नाचने वालों को मैं देखने जाने वाला हूँ, तो आप है ना बने रहिए ब्लॉग के साथ में, आज आपको दिखाऊँगा वो सब, है ना। ये लड़की भी रो रही है जाने के लिए, देखो ले चल रहा हूँ, तो ले चल रहा हूँ, रोते नहीं है अब, रोते नहीं है बेटा। हाँ ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ बेटा, ले जा रहा हूँ, हाँ 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 ले जा रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं, मैं ले जा रहा हूँ, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ले चल रहा हूँ, है ना, ले चल रहा हूँ बेटा, अब शांत हो जाओ, ये बात गुड गर्ल है ना मेरी, तो अब चलते हैं। आंसू आ रहे हैं, आंसू मिटा दो, चलो मिटा देता हूँ, है ना, ठीक है अब मिट गए आंसू, है ना, अब चलते हैं अपन, है ना। तो गाइस ये लड़की भी अब जाने वाली है मेरे साथ, इसको ना रात भर नींद तो आती नहीं है, ये पापा की तरह ही है, इसको भी कहीं भी उठा के चल दो, बोले चलने को तैयार रहती है हमेशा ही, और जाने के लिए देखो रूस रही है, रो रही है, तो मैं इसको ले चलता हूँ फिर, रोने से तो बेहतर है, चलो बेटा चलो आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे होने वाला है अग्नि नृत्य, तो इस मंदिर में अभी आपको दिखवाते हैं, अग्नि नृत्य के बारे में बताएंगे थोड़ा। और दोस्तों ये जो आग दिख रही है ना आपको, एकदम धधकते हुए अंगारे बनाए जाएंगे, यानी कि ये जो लकड़ी जल रही है ना इसको पूर्ण तरीका से जलाया जाता है, तब इसके धधकते हुए अंगारे बन जाते हैं ना, तब है ना उस पर नृत्य किया जाता है उस आँच पे, धधकते अंगारों पे। तो ये आदमी इसको सही करने में लगा हुआ है व्यवस्थित, कि सही तरीका से जल जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और नीचे गिर गया था उसको भी ऊपर तह में लगाते हुए, तो बहुत ही शानदार नृत्य होने वाला है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे धधकते हुए अंगारों के चारों तरफ पानी से बरसात की जाती है। दोस्तों ये जो चारों तरफ का क्षेत्र है ना इस अंगारे के, तो इसमें क्या है कि बरसात की जाती है इस प्रकार से गड्ढे में से पानी डाल के, तो इस क्षेत्र में जब बरसात ये पूरी हो जाती है ना, तो उसमें क्या है कि उसके बाद फसल बुवाई की जाती है, तो इस पूरे क्षेत्र को पानी से गीला किया जा रहा है ताकि ना फसल बुवाई की जा सके, और उसके बाद में उसकी निड़ाई गुड़ाई कटाई। तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि नृत्य में ऐसा भी कुछ होता है। श्री जसनाथ जी महाराज की पारंपरिक स्तुति वंदना अपने भक्तजनों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है यहाँ पर। और दोस्तों अब दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि अब है ना लास्ट क्षण चल रहा है, क्योंकि अब है ना आरती चल रही है जसनाथ जी महाराज की, उस आरती के बाद है ना फिर धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य आपको हम दिखाने वाले हैं, तो आप है ना घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों अब घबराइएगा नहीं क्योंकि अब शुरू हो चुका है अग्नि नृत्य जिसकी हम बहुत देर से बात कर रहे थे। तो ईश्वर को याद करके, और अब सभी आ चुके हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वही ये नृत्य कर सकते हैं। तो अब ये आ गए, देखो अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ये करने वाले हैं, ये देखो ऐसे धधकते हुए अंगारों पर ऐसे बैठ के नृत्य किया जाता है। ओ भाई साहब कितना रिस्क है, लेकिन एक बात की खासियत है गाइस यहाँ पर, कि जो सिद्ध पुरुष होता है ना, अर्थार्थ कहने का मतलब जिसने जीवन में कभी भी मांस मदिरा दारू वगैरह ऐसी चीज़ों का, शराब वगैरह आदि चीज़ों का सेवन नहीं किया है, जो ईमानदार है ना वही आदमी इस आग पर चल सकता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। जिसने भी पाप वगैरह करे हैं ना, वो तो उसके पैर निश्चित जलेंगे, अदरवाइज इन आदमियों के बिल्कुल पैर नहीं जलते हैं, बहुत ही सिद्ध पुरुष माने जाते हैं ये। तो जसनाथ संप्रदाय द्वारा जो ये अग्नि नृत्य किया जाता है ना, ये बड़ी सुर और ताल में नृत्य, ढोल जो बजता है ना उसके अकॉर्डिंग ये डांस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही इस पर आग पे चला जाता है, हर कदम ताल को सोच समझ के रखना पड़ता है। तो आप देख रहे हो ना साथ में पानी के लिए, पानी की व्यवस्था है, यानी कि बरसात की जा रही है, इस खेत की बुवाई की जाएगी, पूरा ये खेत है। तो ये नृत्य है ना कुछ हमें आगामी फसल सीजन की जानकारी भी हमें देता है, कि इसमें मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारा कुछ होने वाला है। तो ग्रुप में डांस किया जा रहा है, बहुत ही शानदार मज़ा आता है ऐसा कुछ देख कर, एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है जो कि बहुत ही शानदार है।
दोस्तों आप लोगों में से है क्या कोई ऐसा जो ये नृत्य कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिद्ध पुरुष नहीं होते। ये देखो सिद्ध पुरुष है, ईमानदार व्यक्ति है, जो कि धधकते हुए अंगारों पर बैठकर नृत्य करते हैं। बारी बारी से एक दूसरे का नंबर आता है तो ये अपने हिसाब से डांस करते हैं। और दोस्तों मैं आपको कुछ ऐतिहासिक जानकारी बता देता हूँ कि जो ये अग्नि नृत्य है ना, यह बीकानेर के कतरिया सर में जसनाती संप्रदाय द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। बहुत बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। और वहाँ पर क्या है कि जसनाथ जी महाराज थे ना, ये क्या है कि सिद्ध पुरुष थे, यानी कि ऐसा मानते हैं कि ये भगवान के अवतरित रूप थे और इन्होंने सिद्धि हासिल कर ली थी। 24 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो जो कतरिया सर है वहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। और बीकानेर बाड़मेर का अग्नि नृत्य बहुत ही फेमस है। तो ये देख रहे हो ना आप, कितने सिद्ध पुरुष लोग हैं जो कि अग्नि नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी जो हमारे राजस्थान की पारंपरिक जो विशेषता है, संस्कृति है, उसको बनाए रखे हुए हैं। तो ये पानी की लगातार बरसात यहाँ पर की जा रही है। और दोस्तों अभी अग्नि नृत्य में एक और कर्तव्य आपको दिखाएगा। देखो ये बंदे को, ये देखो, यानी कि अब अग्नि नृत्य अपने परवान पर आ चुका है। अभी ये सब बारी बारी से अग्नि नृत्य को ऐसे, ये जो अधधकते अंगारे थे ना, इनसे खेलेंगे। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की नुकसान चोट किसी को नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये पुरुष ही सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध पुरुष जो है वो ही ये काम कर सकता है, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई करेगा तो उसके पैर जल जाएंगे, नीचे से छाले हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, यानी कि अपनी कलाओं का, ये भी एक कला है, कला के अंदर ही आती है, हर कोई नहीं कर सकता इसको। तो देखो बारी बारी से अब ये क्या है कि इस नृत्य का जो मनोरम दृश्य है ना, यहाँ देखने को बनता है। तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत शानदार ये नृत्य की परंपरा पहली बार हमने देख रहे हैं। और आप भी देखकर बताइएगा कि कैसी आपको लग रही है। ये देखिए, अब हल जोड़ा जाएगा। ये देखो हल जोतने की परंपरा, इस खेत को जोत दिया जाएगा पूरा। तो ये जुताई होगी पूरी। जोत दिया पूरा। यही से जोत दिया। अरे अरे पड़ गए। अरे हालत तोड़ने की परंपरा है क्या? तो गाइस हम और मालजी ले रहे हैं पूरा फुल आनंद अग्नि नृत्य देखने का। तो गाइस खेत बुवाई के बाद अब निराई गुड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब बोने के बाद जो खेत में कुछ बो दी ना फसल, तो उसके बाद हो रही है अब निराई। ये देखो, तो ये अग्नि नृत्य की खासियत है जसनाती संप्रदाय की। ये देखो गीत गाते हुए बड़ी मधुर। छोटे बच्चे भी नड़ा रहे। अच्छा सीटें तोड़ रहे हैं। अब बाल तोड़ी जा रही है, ये फसल की कटाई चल रही है। इतनी देर में सब कुछ हो जाता है। क्या लगा रहे निकालने के बाद? अच्छा हाँ, अच्छा ये भी कर रहे हैं। क्या बना दे तू,
बना ले तो मनोर मेरी भी बना देना। हाँ कहते बना दी मनोर। अब ये बनाई है क्या आपने? मोड़ तोड़ रहे मोड़ पा रहे ये सही है। तो गाइस आप देख रहे हो ना कितना शानदार नृत्य यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब संपूर्ण नाटकीय रूप में आपको फसल बोने से लेकर काटने तक सब कुछ दिखाया जा रहा है। ये लो भाई मूंगफली मधुर गायन के साथ में टाइम पास भी बढ़िया हो रहा है भाई साहब। एक कला है, एक अद्भुत कला है जो कि जसनाती संप्रदाय बहुत ही शानदार बखूबी से अपनी कला को निभाए रखे हैं। अभी छोटे बच्चे बड़े मज़े ले रहे हैं भाई। ये फिर बरसात होगी, बरसात बहुत हो रही है, हो रही है। अच्छा अच्छा मूंग लगा रही है। अच्छा मूंग इकट्ठा हो रही है ना मोट भाई माल जी तगड़ा ही नृत्य है। नृत्य में ये नहीं शामिल अभी है ना। ये देखिएगा कितना बड़ा ढेला बना दिया इन्होंने। ये मौत का ढेला है। इसके लिए तो बड़ा ट्रक लाना पड़ेगा। अब बेलून से चला चला गया उसको। हाँ ताकि वो ट्री जो ऊपर छोड़ने के लिए फिर मारने में बीज निकल रहे। हाँ मतलब पहले ऊँट या बैल के बाहर के रोलर चलाते थे ना। लग नजर आता है वैसे। तो फसल अब घर पहुंच चुकी है। और गाइस अब है ना फसल आ गई ना उसके बाद बिलोवना चल रहा है, यानी कि जो बिल्लियां म्याऊं म्याऊं कर रही है ना तो ये बिलोवना का चल रहा है यहाँ पर। तो बड़ा ही शानदार नृत्य है ये। मजा आया कि नहीं आपको बताओ? और दोस्तों अंतिम समय पर प्रसाद लेकर जरूर जाना होता है, जो बाजरे का प्रसाद है यहाँ पर। तो गाइस हम आए थे यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे एक समाधि भी है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये पांचों जी महाराज हैं जिन्होंने की जीवित समाधि ली थी यहाँ पर। और ज्यादा जानकारी आपके लिए कान जी देंगे, ये बताएंगे। तो कान जी बताओ इनके बारे में। ये ग्राम पारेवड़ा में पांचों जी महाराज की जीवित समाधि है। ये हमारे सिख समाज के गुरु थे जिन्होंने बहुत शानदार उपदेश दिए समाज के बारे में, और फिर इन्होंने यहीं पे जीवित समाधि ले ली और आज भी लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आज भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, जीवित समाधि हर किसी में नहीं लेने की क्षमता होती, तो ऐसे महाराज को हम बार बार नमन करते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आज आपको हमने अग्नि नृत्य और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया।